बट वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सर तो वही अगर आप हैपेंस देखेंगे में ना, आप एक चीज तो चेक चेक भी कर सकते हैं, ये ना किसी बच्चे को आगे चल के भी होगा नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर क्या इश्यू है। यार आप ऐसे एक्चुअली बच्चे सर को, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना वो चाह रहे हैं। या वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो जेनेटिक इश्यू है, लेकिन मुझे हम मेरे जनरेशन में नहीं था, मम्मी को नहीं था। तो मम्मी सर कि उनकी मम्मी मतलब मेरी ग्रैंड मदर को था वैसे, तो डॉक्टर बोल रहे जेनेटिक इश्यू करके ऐसा, बट मीन्स ही टोल्ड इट्स अ जेनेटिक इश्यू, बट देन 2 जनरेशन 3 जनरेशन नहीं हुआ है, तो ये सर ठीक हो जाएगा ना, वही पूछना था मुझे। और ये बेसिकली पहली बात ब्रीदिंग तो एक्सरसाइज है। हाँ, नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक अलग चीज होती है, कुंभक जो है ना ये एक अलग चीज है। वही कॉन्स्ट्रेंट है सर मुझे। तो पहली बात ये बताना चाहता हूं, इसका मतलब हमारे सारे पूर्वज बीमार थे। आज तो सारे जेनेटिक इशू है ना, तो इसका मतलब हमारे जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहले सभी लोग बीमार थे, ऐसा है क्या? हो सकता है 1-2 जनरेशन में ये प्रॉब्लम आई हो, मगर 5 जनरेशन पीछे जाओगे तो किसी को भी नहीं था। 100 जनरेशन पीछे तक आप चले जाइए, किसी को नहीं था। तो ये बेकार के ये जो बहसबाजी में क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं, जब उन्होंने कह दिया ये जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि इतनी मार्केटिंग की गई है, सारी दुकानें वही है ना, एलोपैथी की दुकान चारों तरफ में फैला हुआ है, तो आप जहां जाएंगे वो उसी दुकान में एंटर करेंगे, नाम अलग होगा डॉक्टर का, हॉस्पिटल का नाम अलग होगा, दुकान तो एक ही है। तो इतना मार्केटिंग किया है कि इन्होंने किसी दूसरी दुकान को चलने ही नहीं दिया, आयुर्वेद को चलने नहीं दिया, होम्योपैथी को चलने दिया, नेचुरोपैथी को चलने दिया, और अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो है मोडालिटीज, इन सबको खत्म कर दिया। और आप कहते हैं कि जी ये तो ठीक होता नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट राइट, ये ठीक तरीका नहीं है इस तरीके से अप्रोच करना। मैंने अभी आपको समझा दिया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका शरीर ठीक कर सकता है, जो मैं बता रहा था ऐसे अपने बच्चे को आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सीढ़ी पे एक लाइन खींच लीजिए, व्हाइट लाइन है ना, चूने से एक ऐसे लाइन डाल दीजिए और बच्चे को उस लाइन पे सीढ़ी चढ़ने के लिए बोलिए, और आप देखिए कि कितनी सीढ़ी चढ़ने के बाद वो हांफने लग जाता है, और क्या वो लाइन पे चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। अगर वो थोड़ी ही सीढ़ी चढ़ के हाँफने लग जाता और लाइन से इधर उधर जा रहा है, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने ही वाला है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आप अपने बॉडी के कैपेसिटी और केपेबिलिटी के साथ में कोरिलेट करके देखें, शरीर की एक क्षमता है वो कमजोर हो गई। वो क्षमता क्या है, वो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बताया। तो अगर उसकी वो कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे, उसका ऑटोइम्यून डिजॉर्डर ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग अपनी आंखें खोलिए, आंखें बंद कर रखा, किसी ने कुछ बोला आपने मान लिया, और ऊपर से ये है कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग या हॉस्पिटल में घुस जाते हैं तो आप सोचते हैं वहां जो अंदर बैठा हुआ है वो बुद्धिमान है, ऐसा तो नहीं। अगर बुद्धिमान होते लोग तो दुनिया में बीमारी कम हो रही होती ना। बच्चों बच्चों को हो रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या आपको मालूम है 1 साल 2 साल 3 साल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे, बच्चियां जो है बहुत अर्ली एज में प्यूबर्टी के बाद ही वो थायराइड के इश्यू में आ रही हैं, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्चियां। तो इतने बुद्धिमान है कि हमने सबको बीमार कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं संभलना पड़ेगा ना इसको देख के कि ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है कि पूरी दुनिया को बीमार कर रहे हैं, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। कभी ना कभी तो हमको आंखें खोलनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हैं कि सब बच्चे बीमार हो जाएंगे तब आंखें खोलेंगे। तो आप इस बात को समझिए, और एक बात समझिए कि शरीर को क्रिमिनल बनाने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को स्ट्रांग करने से फायदा है, इसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने से फायदा है, इसके रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को ज्यादा अच्छा करने से फायदा होगा। ये शरीर ही है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसके रिकवरी को स्ट्रांग करें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, इसके फंक्शन को स्ट्रांग करें, इसके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करें, ऑर्गन को स्ट्रांग करें, आप देखेंगे कि ये शरीर किसी भी बीमारी से निकाल देगा आप।